good morning everyone. welcome to our youtube channel, adras senior secondary school, khai Shirkad. today we will discuss about class 10 plus 2 chapter 3 exercise 3.1. in previous, we will discuss first three questions. now, we solve question number 4. construct a matrix 2 into 2 matrix. ए आई जे वॉज एलिमेंट्स आर गिवन बाय वोज एलिमेंट्स है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय टू इसी तरह से हमें क्या करना है एक मैट्रिक्स बनानी है हमें टू इंटू टू की मैट्रिक्स और टू इंटू टू की मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें दो रो हो और दो ही कॉलम हो दो रो ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम नो फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन सेकेंड एलिमेंट्स ए वन टू ए वन वन क्यों है क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड फर्स्ट रो क्योंकि ये क्या है पहली फर्स्ट रो है तो पहला एलिमेंट्स ए वन से स्टार्ट होगा दूसरा भी ए वन से स्टार्ट होगा ये फर्स्ट कॉलम है तो ए वन वन और ये सेकेंड कॉलम है तो ए वन टू ये टू किसको इंडिकेट कर रहा है कॉलम को और वन रो को यहाँ वन रो को और वन ही कॉलम को नेक्स्ट ए टू वन यहाँ टू किस को इंडिकेट कर रहा है रो को और वन कॉलम को ए टू वन और फोर्थ वन ए टू टू पहला एलिमेंट्स देखते हैं कैसे निकलते हैं ए वन वन निकालेंगे हम ए वन वन किससे निकालेंगे ये पहली इक्वेशन दे रखी है हमने इसमें को हम पहली इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ए वन ए वन वन निकालना है ए आई जे आई क्या है आई रो है और जे कॉलम है और ये कौन सा है ए वन 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 पहला वन रो को इंडिकेट करता है और सेकंड वन किसको कॉलम को इंडिकेट करता है यानी कि आई और जे दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन वन है तो ये इसमें पुट कर देते हैं यहाँ आई प्लस जे यानी कि वन प्लस वन आई की जगह भी वन और जे की जगह भी वन यहाँ पर दोनों की जगह पुट कर दिया तो टू का स्केयर वन प्लस वन टू का स्केयर बाई टू इज इक्वल टू फोर बाई टू फोर टू से ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा टू यानी कि ए वन वन एलिमेंट्स क्या आ गया टू सेकेंड ए वन टू यहाँ आई की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू कितनी है वन और जे की वैल्यू कितनी है टू जे की वैल्यू कितनी है टू ये पुट कर देते हैं हम आई प्लस जे यानी कि वन प्लस टू होल स्केयर बाई टू वन प्लस टू का होल स्केयर वन प्लस टू थ्री और थ्री का होल स्केयर नाइन नाइन बाई टू सेकेंड एलिमेंट्स नाइन बाई टू इसी तरह से ए टू वन करना है यहाँ पर आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू वन इसमें पुट कर देनी है इसका आंसर क्या जाएगा फिर नाइन बाई टू फोर्थ वन ए टू टू यानी कि आई की वैल्यू भी टू और जे के वैल्यू भी टू इसमें फॉर्मूले में पुट करने पर क्या आ जाएगा एट इसका आंसर एट सॉल्व करने पर एट हो जाएगा ये देर फॉर मेट्रिक्स देयर फॉर मेट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ये लिख देने हैं हमें जो भी वैल्यूज आई थी ए टू वन और ए टू टू इसी तरह से ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गई नाउ सेकेंड सम सेकेंड सब में क्या है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे यानी कि टू इंटू टू की मैट्रिक्स बनानी है फर्स्ट में क्या था ये इक्वेशन दे रखी थी सेकेंड में क्या है ये इक्वेशन दे रखी है हमें ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे फर्स्ट ए वन वन इसी तरह से मैट्रिक्स तैयार करनी है ए वन वन इसमें आई की वैल्यू कितनी है वन और जे की वैल्यू कितनी है वन आई बाई जे कितना हो गया वन बाई वन इज इक्वल टू वन सेकेंड ए वन टू इसमें आई की वैल्यू भी वन और सॉरी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू ये क्या हो गया आई बाई जे करने पर वन बाई टू थर्ड ए टू वन ए टू वन में आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू वन टू बाई वन इज इक्वल टू टू ए टू टू में आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू टू टू बाई टू कैंसिल होकर वन और ये मेट्रिक्स हमें लिख देनी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में कंस्ट्रक्ट ए थ्री इंटू फोर मेट्रिक्स वॉज एलिमेंट्स आर गिवन बाई या मैट्रिक्स क्या है थ्री इंटू फोर है फर्स्ट थ्री किसको इंडिकेट करता है रो को और फोर किसको करता है कॉलम को यानी कि रो कितनी है थ्री कॉलम कितनी है फोर रो कौन सी होती है ये वाली तो ये कितनी है तीन है यानी कि यहाँ कितनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और कॉलम कितनी है चार थ्री इंटू फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इसी तरह से मैट्रिक्स तैयार करनी है हमें या लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट रो में पहला क्या आ जाएगा एक आएगा और ये आगे वाले चेंज होते जाएंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर सेकेंड ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एंड ए थ्री फोर इसी तरह से ए वन वन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं ए वन वन निकालते हैं और निकालेंगे किस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमें दे रखी है ए आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू मोड माइनस थ्री आई प्लस जे ए आई जे निकालना है आई और जे की वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुकी है क्योंकि ए वन वन में आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू भी वन फर्स्ट होती है वो आई की वैल्यू और सेकंड होती है वो जे की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में वन बाई टू मोड माइनस थ्री आई माइनस थ्री आई तो माइनस थ्री इंटू आई की वैल्यू वन प्लस जे तो प्लस जे की वैल्यू वन वन बाई टू मोड माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस वन वन बाई टू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा है और प्लस माइनस करने पर माइनस होता है वन बाई टू मोड माइनस टू और मोड में जो भी संख्या हो प्लस की हो वो तो प्लस की रहेगी और जो माइनस की भी संख्या हो वो भी प्लस हो जाती है तो माइनस टू क्या आ जाएगा प्लस का ऊपर टू रह जाएगा और नीचे भी टू है टू बाई टू कैंसिल होकर वन ए वन वन कितना आ गया ए वन वन इज इक्वल टू वन ना ए वन टू ए वन टू में आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू ये इस इक्वेशन में पुट करने पर इसको सोल्व कर देंगे सोल्व करने पर इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू वन बाई टू अब ए वन थ्री ए वन थ्री को सोल्व करेंगे उसी तरह से मोड का ध्यान रखना है मोड में जो भी वैल्यू नेगेटिव हो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाती है मोड से बाहर आकर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ए वन थ्री जीरो इक्वेशन में पुट करनी है और ये वैल्यू निकालनी है ए वन थ्री ए वन थ्री हो गया ए टू वन ए टू वन में आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू वन और वो दोनों इक्वेशन में पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा ए टू टू आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू टू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना है सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू टू आएगी ए टू थ्री ए टू थ्री को आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू थ्री इक्वेशन में पुट करनी है आंसर कितना जाएगा थ्री बाई टू ए, ए टू फोर टू फोर में आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू फोर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है आंसर वन ए थ्री वन थ्री वन में आई की वैल्यू थ्री और जे की वैल्यू वन इक्वेशन में पुट करनी है सोल्व करना है आंसर कितना आ जाएगा या माइनस एट है ये देखो माइनस एट वो मोड के अंदर है अगर मोड के बाहर आकर क्या हो गया एट एट बाई टू कैंसिल होकर फोर नाउ थ्री बाई टू ए थ्री बाई टू में आई की वैल्यू थ्री और जे की वैल्यू टू इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा सेवन बाई टू ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री को सोल्व किया इसका आंसर क्या आ गया थ्री ए थ्री फोर को सोल्व किया आंसर कितना आ गया फाइव बाई टू देर फॉर मेट्रिक्स मेट्रिक्स लिख देने यहाँ पर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर इसी तरह से ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एंड ए थ्री फोर बी की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर और ये क्या है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है उसे क्या निकलना है वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई और जेड की ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है फोर मैट्रिक्स दे रखी है टू इंटू टू की मैट्रिक्स, फोर थ्री एक्स फाइव वाई जेड वन फाइव इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे हमें हमें पता है दोनों क्या है इक्वल दे रखी है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हो तो उनके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे एलिमेंट्स कौन से इक्वल होंगे अगर यहाँ फर्स्ट क्या है ए वन वन है और यहाँ ए वन वन कौन सा है ये है तो दोनों ए वन वन और ए वन वन दोनों इक्वल होंगे ए वन टू ए वन टू तो यहाँ ए वन वन दोनों में ए वन वन बराबर होंगे ए वन टू और इस साइड भी ए वन टू दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे फर्स्ट में ए वन वन कितना है फोर यहाँ ए वन कितना है वाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर यहाँ ए वन टू कितना है थ्री यहाँ ए वन टू कितना है जेड जेड की वैल्यू कितनी आ गई थ्री यहाँ ए टू वन कितना है एक्स इज इक्वल टू यहाँ ए टू वन कितना है वन एक्स की वैल्यू आ गई यही हमें वैल्यूज निकालनी थी इसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर सेकंड वही है सेम एक्स प्लस वाई दे दिया पहले ए वन वन एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई सिक्स टू फाइव एट इसमें वही निकलना है अगर ए वन वन दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो फर्स्ट एलिमेंट और इस साइड का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे ये सेकेंड और यहाँ सेकेंड इक्वल होगा तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस वाई यहाँ क्या है सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स और इस साइड फाइव प्लस जेड फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एट फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव तो जेड की वैल्यू कितनी होगी फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एट इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या है प्लस करने पर सिक्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर दोनों एलिमेंट्स की एट आना चाहिए ऐसी संख्या हमें देखना है फोर इंटू टू एट फोर प्लस टू सिक्स तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू और y की वैल्यू फोर और ये उल्टा भी हो सकता है टू इंटू फोर भी एट होता है और फोर इंटू टू भी एट होता है इसलिए हमें कन्फर्म नहीं है x की वैल्यू टू है या फोर है तो हम दोनों लिखेंगे x की वैल्यू टू भी और फोर भी y की वैल्यू फोर भी और टू भी यही x y और z की वैल्यू है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस यही वो मैट्रिक्स दे रखी है टू इंटू टू की मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू फोर्थ एलिमेंट फोर इक्वेशन बन गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी इसमें है और माइनस बी भी इसी में है तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ निशान पलट दिए सेकेंड इक्वेशन के निशान पलट दिए सभी टू ए के आगे पॉजिटिव है तो निशान नेगेटिव माइनस बी के आगे निशान कौन सा है बी के आगे निशान कौन सा है माइनस का तो यहाँ पॉजिटिव का जीरो के आगे जीरो के आगे तो प्लस या माइनस जो भी हो जीरो जीरो ही होता है तो माइनस का माइनस या प्लस कुछ भी करो चाहे। बी से बी कैंसिल ए माइनस टू ए माइनस ए और यहाँ माइनस वन है तो यहाँ माइनस वन दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल ए इज इक्वल टू वन